मैं चार छह पंक्तियां पूज्य स्वामी जी के चरणों में आया हूं तो वो पढ़ देता हूं। फिर मैं एक इन दिनों नई कविता में कश्मीर पर पढ़ रहा हूं, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और मुझे जब जब मैं उनके चरणों में होता हूं अपने सौभाग्य पर इतराता जैसा हूं मैं कि शायद मेरे पूर्व जन्म में मुझसे कोई ऐसा पुण्य हुआ होगा कि मुझे उस संत का आशीर्वाद मिला जिनको छूने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए पूरी दुनिया के लोग तरसते हैं। पूरी दुनिया तरसती हो जिस आदमी का स्पर्श पाने के लिए, छुअन पाने के लिए, चरण छूने के लिए, देख भर लेने के लिए, मिल भर लेने के लिए। मैं जब चाहता हूं उनसे जिद कर लेता हूं, जब चाहता हूं उनके चरणों में बैठ कर उनसे कुछ भी मांग लेता हूं, जब चाहता हूं उनके प्रोग्राम उथल पुथल करा देता हूं, जब चाहता हूं उनका शेड्यूल बदलवा देता हूं। ये सौभाग्य अगर मेरा मुझे मिला तो शायद किसी पूर्व जन्म के फल का ही निष्कर्ष होगा। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, बस मेरी इस जन्म की एक ही उपलब्धि है। स्वामी जी, जब मैं कभी बहुत परेशान होता था तो गंगा स्नान करने जाया करता था। जब से पतंजलि बनी है मैं कभी भी यहां से आगे गंगा स्नान करने गया ही नहीं। जो गंगा यहां बहती है, जो गंगा यहां संस्कारों को शुद्ध करती है, जो गंगा रहा यहां हमारे देश के प्रति प्यार को, लगाव को, समर्पण को बहुत बहुत उच्च स्तर का देने का संकल्प भी देती है, प्रकल्प भी देती है, उस गंगा से बड़ी वो माँ गंगा भी मेरे लिए पूजनीय है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर मैं यहीं से लौट जाता हूँ। मैं एक छोटी सी एक मिनट की कविता पूज्य स्वामी जी के चरणों में रखता हूँ और फिर एक कश्मीर की कविता पढ़ता हूँ। कल देश सुंदर बनेगा तो सरकारी योजनाओं से नहीं बनेगा, ऋषियों के इस तप से बनेगा जो पतंजलि में स्वामी रामदेव जी के चरणों में आदर्श में बैठ करके होता है। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, उन्होंने भी कहा वो किसी से नहीं डरते। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिनके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था, बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था, बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया, वंशवाद को बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिला कर दिखा दिया, स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिला कर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिला कर दिखा दिया, पेट हिला। भारत माता की। पूज्य स्वामी जी, मैं तो 20 साल 25 साल से देश में चीख चिल्ला रहा था, देश ने नोटिस ही नहीं किया। जब से आपके चरणों में आया, आस्था चैनल और संस्कार चैनल ने मुझे वैश्विक पहचान दी, मैं इसका ऋण जीवन भर भुला नहीं सकता। आज मेरी वैश्विक पहचान है तो इसकी देन स्वामी जी का आशीष और आस्था और संस्कार चैनल है, मैं उनके सामने स्वीकार करता हूँ। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया, आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाने वाले हैं। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंद वंश कट जाते हैं, मैं चंदर वरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता, हमने चीन को दोकलम में पीछे हटा दिया और दुनिया को एहसास करा दिया कि अब भारत 1962 का भारत नहीं है, लेकिन हम पड़ोसी को क्यों नहीं डरा पाए? हम कश्मीर में रोज आतंकी घटनाएं क्यों नहीं रोक पाए? घुसपैठ क्यों नहीं रुकी? युद्ध विराम का उल्लंघन क्यों जारी है? कैसे डरेगा पड़ोसी, सुन लीजिए, दो लाइन पहले सुन लीजिए, कैसे कब डरेगा पड़ोसी कब? ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, अगली लाइन पर जानना चाहता हूं आपकी राय क्या है,
ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने दो के बदले में 20 शीश काटे होते, भारत माता की। अभी कहा स्वामी जी ने, शौर्य को गाली दी गई, वीरता को अपमानित किया गया। मैं अभी भी पूज्य स्वामी जी एक वाक्य और बोलता हूं बस, होंगे हमारे देवता, करते होंगे हमारी रक्षा, लेकिन मैं उनको देवता मानता हूं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको देवता मानता हूं जो संस्कृति संस्कार का पाठ पढ़ाकर हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी मेरे कल देवता हैं, वो सैनिक मेरा देवता है, वर्दियां मेरी देवता हैं। बहुत आस्तिक हो जाने के बाद भी ये आस्तिकता समाप्त नहीं होती। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने दो के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। और हमारे और जोश चाहिए सुनना, ये कैसा परिवर्तन है खुद्दारी के चरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और जो जवाब मैंने लिखा है वही जवाब आपके दिल में हो तो फिर एक बार जोश में बताना कि हाँ आप भी यही सोचते हैं। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बस मैंने जीवन में एक वादा खिलाफी की, मैं 6 साल से स्वामी जी से झूठ बोल रहा हूं कि मैं आपके चरणों में सब कुछ छोड़ के आ रहा हूं। बचपन के संस्कार समझो या डीएनए में छिपा हुआ कहीं कोई लालच, ये अपराध मैंने जीवन में सिर्फ एक किया। मैंने जीवन में खुद को किया वादा केवल एक नहीं निभा सका कि मैं सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में नहीं आ सका। ना हमने आपको, हमने आपको वीरता के गीत गाने के लिए छोड़ा हुआ देश भर में। मैं जहां भी जाता हूं स्वामी जी, ये भी मेरा संकट भी है, मैं दिल की बातें आपसे कर लेता हूं क्योंकि आप जब भी बोलते हो मुझे लगता है सिर्फ दिल बोल रहा है, दिल के सिवा मैंने कभी, मैं आपके भजन सुनता हूं तो कई बार कुछ लोगों ने कहा साहब इसमें सुरताल, मैंने कहा जब दिल गाता है ना तो सुरताल का कोई महत्व नहीं होता। स्वामी जी ने जब भी गाया गले से गाया ही नहीं है, दिल से गाया है। आप जब उनको गा रहे हैं सुन रहे थे आप, लगा था उनका दिल बोल रहा है आपके सामने। मैं इसलिए दिल की बातें उनसे बोल लेता हूं, मैं कभी छिपाने की भी कोशिश नहीं करता, कभी छिपाने की कोशिश नहीं करता। आप तो सबकी पहुंच के अंदर नहीं है, आप तक आम आदमी नहीं पहुंच सकता। मैं रोज 30-35 हजार लोगों के बीच में होता हूं, आपको रोज गाता हूं, रोज गाता हूं मैं आपको। मैं जवाब दे रहा हूं पिछले 10 सालों से, 12 सालों, 10 सालों से, अगर हिंदुस्तान के व्यापारियों ने कोई अच्छा साबुन बना दिया होता तो विदेश का साबुन हिंदुस्तान में बिकने आया ही क्यों होता? नारे लगाती रही राजनीति और सरकारें के साथ साथ, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। एक सन्यासी स्वदेशी का प्रकल्प लेके आ गया, स्वदेशी का प्रैक्टिकल करके दिखा दिया तो व्यापारियों के पेट में दर्द होने लगा जो विदेशी कंपनियों के हाथों बिके हुए। स्वामी जी दुआ करता हूं आपके सामने, गंगा मां के किनारे 50, हे भगवान हिंदुस्तान को 50 पतंजलि संस्थान दे दे, विदेश की सारी कंपनियां हिंदुस्तान से बाहर हो जाए, एक नहीं बचेगी। आपने एक नहीं कितने सारे कीर्तिमान स्थापित किए और कितने लोगों के छक्के छुड़ाए, ये इतिहास भी जानता है और आंकड़े भी जानते हैं। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। रमजान आ गए, हमारा पवित्र महीना है मुस्लिम भाइयों का, हम सलाम करते हैं सब मुस्लिम भाइयों को, यहां भी कोई हो तो
और पूज्य स्वामी जी के मन से बोलता हूं, जो रमजान के पवित्र महीने में किसी निर्दोष की हत्या कर सकता है वो कुछ भी हो सकता है, सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, साहब थोड़ा गुस्से में बोल रहा हूँ, रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। पूज्य स्वामी जी, आपके इस युवा भारत के समक्ष बोलता हूं, दुखी होके बोलता हूं, कब तक, आखिर कब तक एक मां अपने बेटे के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटा हुआ देखती रहेगी? कब तक रोज आएंगे हमारे बेटे तिरंगे में लिपटकर? जब रोज बेटे तिरंगे में लिपटकर आते हों, तो एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में, दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आज़ादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। और एक सवाल, हम भारत की जनता हैं, भारत की जनता का एक सवाल है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है, दिल में तीर सा चुभे तो उठे तालियां। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है, वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत, भारत मुर्दाबाद बोलकर, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं हैं उनको इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं, ये गांधी के गाल नहीं हैं उनको इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो। दुनिया वालों, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर रहते रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे, दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर, दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं,
करना सीखो डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के अंतिम पंक्तियां सुनाता हूँ, अंतिम पंक्तियां। मैं धन्य हुआ पूज्य स्वामी जी आपके चरणों में, ये तो मैंने सोचा नहीं था, मैं तो पैर छूने की इच्छा थी, पैर छूने आया था। मुझे ये सुख, ये सुकून, ये गुरूर, ये घमंड, ये इतने युवा भारत, संस्कारशील भारत, कल के होने वाले हिंदुस्तान के समक्ष मुझे कविता पाठ का मौका मिलेगा, ये तो मेरे लिए एक अनुपम उपहार है, अनूठा उपहार है मेरे। देखिए, ये देश आस्था का है, निष्ठा का है, समर्पण का है। 10 सेकंड की बात बोलता हूँ, इसको समझना। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों डर गए कैसे निकलेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, समझ जाओ तो साहब बताना मुझे कि तुम समझे। पिता ने कहा, बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी भी हाल में कभी नहीं छोड़ सकता। प्यारे देशवासियों, ये बात मैंने केवल इसलिए कही, हम पूज्य स्वामी जी का हाथ एक बार को अपने किसी स्वार्थ में छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमारे वो बाप हैं वो, जो हमारा हाथ शायद कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और एक और चीज, भारत की सबसे बड़ी कमी, मरती हुई संवेदनाएं, जिनको सरकारें नहीं बचा सकती, ऋषि बचा सकते हैं। अगर ऋषियों ने इस देश के प्रदूषण में संस्कारों के गुलाब जल का छिड़काव नहीं किया होता तो हम कहाँ होते, मैं कह नहीं सकता। एक बहुत छोटी सी बात और, 9 सेकंड की। एक बहुत अमीर महिला एक बहुत महंगी कार में, अमीर बहुत महंगी साड़ी पहने हुए, एक साड़ी की दुकान पर आई और कार का कांच खोलकर कहा, मुझे एक सस्ती सी साड़ी लाओ, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा करती ही होंगी। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 85 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए, टूटी हुई सी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दिखाओ, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। मरती हुई संवेदनाएं संभालो तो संस्कृति संभलेगी। मैं युवा पीढ़ी से सिर्फ एक ही बात कहता हूं, अपना ईष्ट, अपने पूज्य आदर्श, पूज्य स्वामी जी और उनके संदेश, देश को अपना ईष्ट मान लो, तुमसे कभी कोई अपराध हो ही नहीं सकता, गलती हो ही नहीं सकती। और स्वामी जी ये सच है, मैंने शादी की नहीं या हो ही नहीं, ये अलग विचार हो सकता है, लेकिन मेरे दिल में देश और पूज्य स्वामी जी के सिवा अब और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर तक संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो, अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, क्या है समाधान, मैं बताता हूं क्या है समाधान।
एक बार सरकार हिम्मत तो करे, एक बार सरकार घोषणा तो करे, एक बार सरकार कह के तो देखे, अगर 10 20 50 गुंडे 125 करोड़ की सरकार को डरा सकते हैं तो फिर कमी ना कमी कहीं ना कहीं तो हमारे भीतर भी है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष्ण भारत के नारे हों, गुलमर्गा की गलियों में शिमला समझौता जलता हो, बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दो, घाटी घेर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे प्रतीक होते हैं। आपसे भी कह रहा हूं सबसे कि आपस में आप कह के बोलना, संगठन में जी कह करके बोलना। कोई कितना ही छोटा हो, कोई कितना ही बड़ा हो, सबके भीतर एक ही सच्चिदानंद परमात्मा को अनुभव करना। कोई कितना ही बदसूरत हो, उससे कभी भी नफरत नहीं करना। और कोई कितना ही खूबसूरत हो धरती पर, उसमें कभी भी आसक्ति मत रखना। ये सब भगवान का ही स्वरूप है। हमारे श्याम मोहन जी, वो भी हरिओम पवार जी के अनन्य सेवक हैं, एक बार उनके लिए भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। धर्म का पालन इस देश में पुरुष कम स्त्रियां ज्यादा करती हैं, ये धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र है। इसमें तीन धागे मैंने बोला, एक पितृ ऋण का, एक ऋषि ऋण का, एक मातृभूमि के देश के ऋण का प्रतीक है। इसको ही देव ऋण, इसको ऋषि ऋण और पितृऋण करते। माता पिता में कहीं पितृ शब्द आता है, कहीं मातृ शब्द आता है। तो माता पिता का ऋण, मातृभूमि का ऋण और ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है, उसके प्रतीक हैं तीन धागे। ऋग यजु साम अति त्रयी विद्या इसको बोलते हैं। इसमें ग्रंथौ अथर्वाणम, प्रथम तंतौ ऋग्वेदम, द्वितीय तंतौ यजुर्वेदम, तृतीय तंतौ सामवेदम, ग्रंथौ अथर्वाणम विन्यसामी। इस तरह से ये यज्ञोपवीत की परंपरा है। तो सब माँ बहन बेटियों को यज्ञोपवीत लेना है। बस इसके सामान्य नियम है, सब सुन लो। यज्ञोपवीत लेने वाला, एक तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की सेवा करना। कुछ लोग मरने के बाद तो पिंड दान देते हैं, माता पिता के जाने के बाद गाय दान करो तो उससे वो वैतरणी तर जाएंगे पूछ पकड़ के। भाई मरने के बाद तो भाई वैतरणी है या नहीं है, और नदी के में गाय के साथ पूछ पकड़ के तरेंगे या नहीं तरेंगे। जिंदे माँ बाप को गाय ले आना और उसका दूध पिला देना, तुम वैतरणी जरूर तर जाओगे। जिंदे माँ बाप के लिए गाय लेकर के आओ, उसका दूध पिलाओ, बताओ पूछ पकड़ के वैतरणी तरते हैं क्या? अपने कर्मों से तरते हैं, माँ बाप अच्छे कर्म करेंगे तो तर जाएंगे। और भाई यदि कोई माता पिता भी अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे तो वो अपने आप उसका फल भोगेंगे। आप तो अपना पुत्र धर्म निभाओ। श्राद्ध यही है, जिंदा माता पिता के प्रति श्रद्धा रखना। तो ये इसमें तीन धागे, अपने माता पिता के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो ऋण है, सब माँ बहन बेटियों को ये यज्ञोपवीत पहनना है। और सब जाति के लोग, सबको ये यज्ञोपवीत पहनना है। एक बात याद रखो, हिंदुस्तान में रहने वाले हम जितने भी लोग हैं, हम सबके पूर्वज एक हैं और पूर्वजों की संस्कृति एक है। बस इतनी सी बात, हमारे पूर्वज एक हैं और पूर्वजों की संस्कृति है। यह यज्ञोपवीत दोबारा से आपको याद दिला रहे हैं। पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर को स्मरण करना, उसके प्रति कृतज्ञता रखना। देव यज्ञ अग्निहोत्र, पितृ यज्ञ माता पिता की सेवा करना। अतिथि यज्ञ अतिथि देवो भव, बड़ों का, जो भी अपने देश में आए, अपने घर में आए, उन मेहमानों का सम्मान करना। और वैश्य देवी यज्ञ राष्ट्र यज्ञ, संपूर्ण राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। ऐसे पंच महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म,
16 संस्कारों की अपनी पावनी परंपरा है और पुरुषार्थ की परंपरा हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। तो पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो, बस यही धर्म का मर्म है। बस सारे भेदभाव छोड़ के जाना, तुम एक ईश्वर की संतान हो, हम सब एक ईश्वर की संतान, हम सभी महान, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं रखना और बस अपने कर्म को अपना धर्म मान कर कीजिए ना। इस संकल्प के साथ आज यज्ञोपवीत धारण करेंगे।